मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी महीने में चार बार आपको बाहर जाना चाहिए, दो बार अठमी पे पुरानी परंपरा है और एक बार अमावस पे यानी जब ब्लैक नाइट होती है और एक बार फुल मून पे जब फुल मून नाइट होती है जिसको पूर्णमासी बोलते हैं। तो महीने में चार बार आपको उपवास करना चाहिए, अपना घर छोड़ के बिहार में जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ वन डे का फुल डे का 24 घंटे का विपसना साधना का कोर्स होता है, उसको बोलते हैं उपोषत करना। उपोषत का मतलब है जो आप विपसना साधना कर रहे हैं सीख रहे हैं उसको एक एडिशनल न्यूट्रिशन देना, उपोषण करना, उपपोषत बोलते हैं इसको पाली में, उपपोषण संस्कृत भाषा में बोलते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना है अपनी विपसना साधना को, अपने मेंटल लेवल को, अपने माइंड को, अपने मन को। कैसे मजबूत करना है, आपने वहां जाना है और वहां जाके 8 नियम आपने लेने हैं। 5 नियम तो आप हमेशा ले लेते हैं, 5 सील वाले, तो 4 तो उनमें वही आते हैं, 4 बदले हुए हैं। तो 4 जो बदले हुए हैं वो मैंने सब एक एक करके बताए हैं। ये लास्ट वाला 8वां सील है। 8वां सील में क्या बात होती है खास, देखिए, उच्चा शयन महासेना वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। उच्च सेना का मतलब है, उच्च सेन का मतलब है कि ऊंची नींद लेना, मतलब होगी जैसे आप ऊंचे स्थान पर सोते हैं तो ऊंचे स्थान पर नहीं सोना है आपने, बेड आपका नहीं होना चाहिए, मोस्टली जमीन पर सोते हैं। और इसमें एक बात और भी जुड़ती है, उन्हें नरम गद्दे पर भी नहीं सोना है, यानी हार्ड बेड होना चाहिए, चटाई होनी चाहिए। तो आपका हार्ड बेड होना चाहिए, चटाई होनी चाहिए और उच्च नहीं सोना है आपने, नीचे सोना है और आपने ज्यादा नहीं सोना है। जो महाशयना है यानी कि बड़ी जो नींद है वो नहीं लेनी है। तो 3 बातें आपने करनी है, एक तो आपने ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना है, ऊंचे पलंग पर नहीं सोना है, नीचे सोना है। दूसरा, आपने ज्यादा बड़ी गहरी नींद नहीं सोना है, कम सोना है। और तीसरा, आपने नरम गद्दे पर नहीं सोना है। अब इसके पीछे लॉजिक देखिए क्या है। आप जब विपसना में जाते हैं, विपसना साधना में जाते हैं, तो आप सारे जितने भी काम वासना है, जितने प्रकार की, चाहे खाने की काम वासना है, चाहे चखने की काम वासना है, चाहे सूंघने की काम वासना है, चाहे देखने की काम वासना है, चाहे काया की काम वासना है, चाहे वो जीव की काम वासना है या नाक की, आंख की, कान की, यानी 5 प्रकार की होती हैं। तो ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं को मिनिमम लेवल पे लेके आगे खत्म करना है, क्योंकि आप उपोषक में जा रहे हैं तो वहां आपको हर तरह का, क्योंकि ऐ बही चर्या भी आपको दिया गया है जो आपको बाहर की चर्या नहीं करनी है। तो अगर आप ज्यादा सोएंगे या नरम गद्दे पे सोएंगे या सिल्क गद्दे पे सोएंगे और ऊंचा सोएंगे तो उसमें काम वासनाएं जागती हैं। काम वासनाओं का नियम है कि जब आपका शरीर आराम में आता है उस समय जो मार है वो आप पे कब्जा करती है, जब आप मार आप पे कब्जा करती है तभी आप आलस में आते हैं। ये उल्टा भी है कि जब आप आलस में आएंगे तो मार आ जाएगी। तो विपसना कर रहे हैं, अगर आप आलस में आ गए, नरम गद्दे पे सो गए, या आप आलस में आ गए ज्यादा देर तक सोते रहे, या आप आलस में आ गए और ऊंचा होकर सोए, तो आपका मन विचलित हो जाएगा, फिर उपोषत का फायदा नहीं रहेगा। इसलिए भिक्खु जितने भी होते हैं वो तो इनका हमेशा पालन करते हैं, मगर जो गृहस्थ लोग हैं उनको ये साल में जो आती हैं अठमियां और जो पूर्णमासी आती हैं और जो खास दिन आते हैं उनमें करना चाहिए और महीने में 4 बार करना चाहिए। तो ये सोने का नियम है कि आपको कब उठना है। मोस्टली सुबह 4 बजे के आसपास उठना होता है और 9 बजे तक सोना होता है, क्योंकि 4 बजे सबसे अच्छा समय होता है ध्यान साधना का, उस समय बहुत शांति होती है। और 9 बजे के बाद ध्यान साधना का कोई फायदा नहीं, उस समय मार का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मार आप पे कब्जा कर सकती है। इसलिए आप 8:30 तक ध्यान लगाते लगाते सो जाइए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी।
हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sarunam Gacchami.